देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 6 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी आएंगे, जिसके बाद देश को 16वें उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। दरअसल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है, उससे पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन चुनता है देश का नया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से अलग होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट देकर करते हैं। इसमें राज्यसभा के 233 और 12 नामित सदस्य अपना मत देते हैं। इसी तरह लोकसभा के 543 सदस्य वोटिंग करते हैं। सभी की कीमत एक वोट होगी। लोकसभा महासचिव इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी होते हैं। चुनाव प्रक्रिया जानने से पहले आइए जानते हैं कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए कैसे नामांकन कर सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति की ओर से कम 20 संसद सदस्य प्रस्तावक के रूप में रहने चाहिए और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित करना होता है। प्रत्याशी को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। इसके बाद उम्मीदवार नामांकन कर सकता है। उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग नामांकन पत्रों की जांच और अगर कोई नाम वापस चाहता है तो उसके लिए समय निर्धारित करता है। आखिर में योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलेट में शामिल किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से होता है। इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। आसान शब्दों में इस चुनाव में संसद के सदस्य वरीयता के आधार पर वोट करते हैं। जैसे बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के नाम दिए होते हैं, अब मतदाता को उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। मौजूद उम्मीदवार में अपनी पहली पसंद को एक, दूसरी पसंद को दो और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देते हुए नंबर देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की खास बात ये है कि सभी सांसदों को चुनाव आयोग की ओर से मतपत्र और निशान बनाने के लिए पेन दिया जाता है। मतदान संसद भवन में ही होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना करते वक्त पहले देखा जाता है कि कितने उम्मीदवार को पहले नंबर का वोट मिला है। उसके बाद सभी उम्मीदवारों के मिले प्राथमिकता वाले वोट को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद कुल संख्या को 2 से भाग देते हैं और भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या मिलती है उसे कोटा माना जाता है, जिसे उम्मीदवार को काउंटिंग में बने रहने के लिए जरूरी होता है। अगर किसी उम्मीदवार ने जरूरी कोटे के बराबर या इससे ज्यादा वोट हासिल कर लिया है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो काउंटिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कम वोट पाने वाले उम्मीदवार बाहर न हो जाए और उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या कोटे के बराबर न हो जाए। तो देखते हैं देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होता है। जानने के लिए देखते रहिए PBNS।